Hello friends, in this video we will discuss question answer of chapter 7 class 12 special English, a prayer for my daughter, ek prarthna meri bachchi ke liye. Aaiye jaan lete hain iske question answer. Pehle poem extract first stanza isme diya gaya hai. I have walked and prayer yahan se start hua hai aur ye khatam hota hai. Innocence of the sea yahan tak. Isme pehla question aata hai aapka. Who does the young child in the first line refer to? जो स्टेंजा दिया है इसमें फर्स्ट लाइन में यंग चाइल्ड रिफर किया गया वो किसके लिए किया गया है? द पोएट्स न्यू बॉर्न डॉटर, जो कवि है उसकी नई बच्ची जन्मी है उसके लिए इस शब्द का यूज किया गया है. सेकेंड फिलिप्स है स्क्रीम अपॉन द टॉवर, कौन सी चीज इस टॉवर से टकरा रही है? द सी विंड, जो समुद्री हवाएं उसकी बात हो रही है वो टकरा रही है इससे. नेक्स्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर डज द पोएट एक्सेप्ट, फ्यूचर में क्या होने वाली है, कौन सी कमियां वो मैं एक्सेप्ट कर रहा है जो भविष्य में होने वाली है. द फ्यूचर इज अनसर्टेन, भविष्य में जो होने वाला है वो अनसर्टेन अनिश्चितता है. ब्लड सेड खून खराबा है. ऐशनी अराजकता है, क्रुएल्टी है, क्रूरता है. एंड अदर सचिवल मे एक्सेप्ट ऑल अराउंड, इस तरह की सारी घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं ये कवि ने एक्सेप्ट किया है. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द फ्रेजेस विच मीन्स ए मैडनेस, मैडनेस का मतलब होता है पागलपन, इसका इसी तरह से मिलता जुलना सेम मीनिंग का वर्ड ढूंढना. दैट इज फ्रेंजेड वर्ड है. अब सेकेंड स्टेंजा शुरू होता है इन कंट्रसरी से खत्म होता है टेक हिज आइज तक. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में फिलिप्स है आर नॉट है एज अ गिफ्ट, ये लाइन से लिया गया, कौन सी चीज जो गिफ्ट में नहीं मिलती आपको? तो इसमें दिया गया आंसर हर्ट्स, दिल है जो आपको गिफ्ट में नहीं मिलते हैं तोहफे में नहीं दिए जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन वाई डज आई रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में आई किसके लिए रिफर किया गया है? दैट इज अ पॉर पोएट, ये आई पोएट के लिए इंडिकेट करता है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट इंडिकेट इन द फोर्थ लाइन, जो स्टैंजा इसमें फोर्थ लाइन के अंतर्गत क्या इंडिकेट किया गया, क्या इशारा किया गया है देख लेते हैं. द पोएट इंडिकेट दैट द पीपल हु हैव फॉलन इन द लव विद द ब्यूटीज लाइक वेनस एंड हेलन आर फूल हु थॉट दैट दे आर लव, ये बता इस लाइन में ये बताया गया है कि जो लोग अपने आप को प्यार में पाते हैं जैसे कि वीनस और हेलेन को हुआ था, और वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं प्यार में हूँ लेकिन वो प्यार में नहीं होते हैं, ये बताया गया है इन लाइनों में. फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम दिस लाइन विच मीन्स अपोजिट टू लॉस्ट, लॉस्ट का अपोजिट क्या होता है? दैट इज अर्न होता है. नेक्स्ट स्टैंजा ओ माई शी लिव्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ है फिनिश हुआ फ्रॉम द लिप पे, पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन एवर लास्टिंग, चिरस्थाई का मतलब इस स्टैंजा में कोई मीनिंग ढूंढे वो कौन सा है? परपेचुअल है वो मीनिंग. फाइंड अ वर्ड अपोज टू रिजेक्टेड, वर्ड का अपोजिट ढूंढना है, अप्रूव्ड होता है. वर्ब फ्रॉम द वर्ड ब्यूटी इज, इसका वर्ब फ्रॉम द ढूंढना है, दैट द ब्यूटी फाइव. लास्ट क्वेश्चन हु इज सी रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द अबव स्टैंजा, ये सी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया? तो द डॉटर ऑफ द पोएट इज रिफर टू एज सी इन द फर्स्ट लाइन, जो कवि है उसकी बच्ची के लिए सी वर्ड यूज किया गया है. नेक्स्ट स्टैंजा एन इंटेलेक्चुअल से स्टार्ट हुआ है, एंग्री विंड पर खत्म हुआ है. व्हाट आर द इविल इफेक्ट ऑफ हॉर्न ऑफ प्लेंटी, का इविल इफेक्ट क्या है उसके बारे में पूछा गया है. द गिफ्ट्स वर टू हेटेड टूअर मैनकाइंड, इसका जो है इसका मतलब है जो मनुष्य है उससे नफरत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ पोएट आइज, जो कवि है उसकी आंखों में क्या था? इंटेलेक्चुअल हेटेड द बौद्धिक घृणा मान सकते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज ओपिनेटेड मीन, स्वच्छंदता का मतलब क्या होता है? ओपिनेटेड में स्वच्छंदता होता है. इट मीन टेंडिंग टू पुट फॉरवर्ड वंस व्यू फोर्सफुली, अपनी एक सोच को बड़ी ताकत से उसको फैलाते जाना, उसी पर चलना इसका मतलब होता है, जो आगे चल के बहुत खतरनाक हो जाता है अपने लिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड इंटेलेक्चुअल का नाउन बनाना है, दैट इज इंटेलेक्ट, इट इज द नाउन ऑफ इंटेलेक्चुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट हुआ है एंड मे हर ब्रिज ग्रूम से स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ है लेटर ट्री तक. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट विश डज द पोएट मेक हियर फॉर हिज डॉटर, यहाँ जो कवि अपनी बच्ची के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है. द पोएट विद दैट हिज डॉटर शुड बी मैरिड टू ए ट्रेडिशनल फैमिली, वो ये प्रार्थना करता है कि उसकी बच्ची जो पुरानी परंपराओं को मानती है ऐसी फैमिली में उसकी शादी हो. फिलिप से सेकंड क्वेश्चन, स्टार्टिंग अ नेम फॉर द रिच हॉर्न, इसमें आएगा सेरेमनी. थर्ड क्वेश्चन, गिव ए व्हाट सिमिलर मीनिंग ऑफ हैबिचुएटेड, आदि का सिमिलर मीनिंग निकालना है, दैट एकस्टमेड. अगला क्वेश्चन, मेक एडजेक्टिव फ्रॉम द एरोगेंस एंड हैट्रेड, हैंकड़ी और घृणा का आपको एडजेक्टिव निकालना है, एरोगेंस and hateful, that the adjective of these word. Now question answer. First question, narrate how the storm outside is reflected in the poet mind, जो कवि है उसके दिमाग में कौन सा तूफान चल रहा है, जो बाहर तूफान है क्या वैसा ही तूफान उसके अंदर चल रहा है, इसके ऊपर बताएं कुछ. The weather outside is reflection of people inside feeling and fear, जो मौसम बाहर है उसी का रिफ्लेक्शन जो कवि है उसके अंदर है भावनाओं में और एक तरह से डर के रूप में. द पोएम अ प्रेयर ऑफ माई डॉटर, इस कविता जो नाम दिया गया, एक प्रार्थना मेरी बच्ची के लिए, इज ए पर्सनल पोएम है ये. बट वी कैन अंडरस्टैंड पोएट माइंड बाई क्लोजली रीडिंग हिज अर्लियर वर्क, पर अपन इस दिमाग जो पोएट है कवि है उसको अपन पर्सनली उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं किस तरह से उसने इसके अंदर काम किया है. द सेकेंड कमिंग, वेयर येट एंटिसिपेट द ग्लूम एंड डूम विच विल इनगल्फ द फ्यूचर ईयर्स, तो दूसरी चीज वो है कि भविष्य में जो आने वाली चीजें हैं, जो कयामत है एक तरह से खून खराबा है, जो आगे आना चाहिए था, फ्यूचर में होना चाहिए था, लेकिन वो अभी होना शुरू हो गया है. द पोएम इज सेट इन द पोस्ट वर्ल्ड वार टाइम, ये जो पोएम है उस वक्त लिखी गई है जब विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय की बात है. सो द रियल डेवेस्टेशन सिम्बलाइज इन द ट्रिवल वॉयलेंट एंड फ्रेजन स्टॉर्म, इसलिए जो हकीकत में हो रहा था उन्हीं चीजों को एज अ पोएम के रूप में उसने एक तरह से सिम्बलाइज कर दिया, बता दिया कि उस टाइम भयानक कैसी स्थिति, हिंसा किस तरह से हो रही थी, लोगों में क्रोध किस तरह के था. There is also a reference of Irish war through the poet indication to storm rising from the Atlantic. उस समय इस बार एक युद्ध हो रहा होगा उसके बारे में भी बताया जा रहा है, उसकी तुलना की गई है जैसे कि अटलांटिक महासागर से कोई हवा बहती हुई आ रही है, तूफान बहते उठते हुए उनकी तरफ आ रहा है. द एक्सटर्नल रेस्ट इज द कंसर्टाइजेशन ऑफ द पोएट इंटरनल ट्रूमा, उसमें ये बताया जो बाहर चल रहा है वैसी ही युद्ध की स्थिति जो कवि है उसके अंदर चल रही है भविष्य की घटनाओं को देखते हुए. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू द वर्ड द फ्यूचर ईयर्स हैड कम सिम्बलाइज इन द पोएम, भविष्य में जो भविष्य में होना था वो अभी होने लगा, ये किस बात का संकेत दे रहा है कवि, इसके बारे में जरा बताएं, डिस्क्राइब करें इस वर्ड का मतलब क्या है. The expression the future year had come symbolized, जो चीजें भविष्य में होने वाली थी उनको सिम्बोलाइज किया येट के द्वारा. इट विजन अबाउट द कमिंग डे एंड टाइम, आने वाले समय में जो होना था वो अभी होना शुरू हो गया. द पोएट यूजेस ऑफ हैड कम ड्रॉ अवर अटेंशन दैट द फ्यूचर हैड ऑलरेडी क्रीपड इन हैड इन इन एंड हैज क्रिएटेड वर्स कंडीशन इन द प्रेजेंट टाइम इवन, जो भविष्य में होने वाली बहुत खतरनाक घटना युद्ध एक तरह से बहुत ज्यादा क्रूरता जो भविष्य में होनी थी वो अभी के समय में देखते हुए ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशन आ गई कि वो प्रेजेंट समय में होना शुरू हो गया. लोगों की नजरों में इतना लालच इतना वैश्यपन आ गया जिसे पोएट देख रहा है. द फ्यूचर विजन वाई येट एप्रोस्पेक्टिक, जो भविष्य में होना चाहिए था वो अभी होने लगा है. जो विलियम एट है वो बता रहे हैं द डे ऑफ फ्यूचर फुल ऑफ वॉयलेंस एंड ब्लड सैड एंड ही इज इमेज फ्रॉम द मर्डरस जनरेशन ऑफ द सी, जो भविष्य में जो एक तरह से खून खराबा होना था, वॉयलेंस होना था,
जो हिंसा होनी थी वो अभी से होना शुरू हो गए। द फ्यूचर हैज अराइव्ड क्रिएटिंग हैंड टाइम एंड विल्वा हंड्रेड इन कमिंग टाइम, जो भविष्य में होना था वो आने वाले समय में लगभग अभी होना शुरू हो गया है, इसके बारे में कभी बता रहा है। इसको एज अ सिंबल के रूप में उसने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट ओपिनियन अबाउट ओवर मच ब्यूटी, कवि का क्या ओपिनियन है अगर कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। डज ही वॉन्ट हिज डॉटर टू प्रोसेस इट, परंतु वो ये नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा उसकी बच्ची खूबसूरत हो। आइए जान लेते हैं क्या इसमें। द पोएट ओपिनियन अबाउट ओवर मच ब्यूटी इज पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव, जो कवि का ओपिनियन है बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग होते हैं उनके प्रति सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। ही वॉन्ट हिज डॉटर टू बी ए ब्यूटीफुल, वो चाहता है उसकी बच्ची खूबसूरत हो। वट शुड नॉट प्रोसेस एक्स ब्यूटी, पर बहुत ज्यादा खूबसूरत ना हो। ही डज नॉट वॉन्ट हिज डॉटर टू टर्न इन टू ए पेट्रागॉन ऑफ ब्यूटी, वो नहीं चाहता कि उसकी बच्ची पूरी तरह से सुंदरता के प्रति ज्यादा आकर्षित हो, ज्यादा खूबसूरत ना हो। येट्स बिलीव द टू मच ब्यूटी डेंजर, क्योंकि जो कवि है वो इस बात में बिलीव करता है कि बहुत ज्यादा खूबसूरती खतरनाक होती है। एट इज नॉट ओनली डिस्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर, जे अजनबियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, बट आल्सो बोर्न नेगेटिव आउटकम फ्रॉम हिज डॉटर, बल्कि जो बुरी चीजें हैं उनको भी आकर्षित करती है। Who will spend most of her time looking and freshing herself? वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय फिर अपने आप को देखने में देगी, शीशे के सामने, ऐसा बता रहे हैं। Extremely beautiful woman become the boastful and are filled with the pride and arrogance, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत औरतें होती हैं वो घमंड से और एक तरह से दम्भ से भर जाती हैं। सच वुमन फॉरगेट द नेचुरल ब्यूटी नेचुरल काइंडनेस, ऐसी औरतें अपनी प्राकृतिक सुंदरता को भूल जाती हैं। एंड रिजेक्ट सेंसर लवर, और जो उनको चाहने वाले होते हैं, जो सच्चा प्यार करने वाले उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। वी फाइंड इन इम्प्लिसिट रेफरेंस टू मॉर्गन, वो अपने प्रेमिका को उदाहरण के रूप में देते हैं, जो उन्हें जिससे वो बहुत प्यार करते थे, दो तीन बार प्रपोज किया था, हर बार उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था और एक ऐसे आदमी से शादी कर ली थी जो उसे बहुत ज्यादा तंग किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द मीन टू वाई द लाइन मे सी बिकम ए फ्लॉर्सिंग हिडन ट्री एक्सप्लेन, इन जो लाइन है कवि क्यों चाहता है फ्लॉर्सिंग ट्री की तरह उसकी बच्ची बने, इसको बताएं। हैंस इन द गिवन लाइन, इन दी गई लाइनों में द पोइट विज दैट द डॉटर शुड बिकम ए फ्लॉर्सिंग ट्री, वो विश कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि उसकी जो बच्ची है फ्लॉर्सिंग ट्री बने। द लाइन एनवलप अ लॉट ऑफ सिंबल इनसाइड, ये लाइन है बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। पोइट विज दैट द डॉटर शुड बी इन फ्लॉर्सिंग ट्री, वो भी ये चाह रहा है कि उसकी बच्ची भी इस तरह का फ्लॉर्सिंग ट्री बने। इंडिकेट दैट इज वांट हिज डॉटर, वो चाहता है उसकी बच्ची भी ऐसी बन जाए। टू बी रूटेड इन द ट्रेडिशन, जो अपनी पुरानी संस्कृति सभ्यताओं से उसकी जड़ें जुड़ी हों वो जुड़ी रहे। सी शुड ग्रो एंड फ्लॉर्सिंग इन द वर्चिन मोस्ट मोडेस्टी, वो कितना भी बढ़े लेकिन उसकी जड़ें गहराई से जुड़ी रहे। ही वॉन्ट हर टू बी फ्रेश क्लाइम एंड शूटिंग लाइक द ट्री, वो चाहता है कि उसकी बच्ची पेड़ की तरह में हमेशा खेलती मुस्कुराती और खिलखिलाती रहे। ही विश ऑफ हिडन ट्री सिमिलर है हेजिटेंट ऑफ व्यू एंड ओपिनियन अनलाइक मॉडगन, वो चाहता है जिस तरह से जो पेड़ है उसकी चीजें कुछ छुपी रहती हैं, वो भी चाहता है उसकी बच्ची के भी जो व्यू है थॉट्स है सोच है वो भी वो छुपा के रखे, ना कि मॉडगन की तरह। हु वॉज टू ओपन अबाउट हर व्यू, जो बहुत ज्यादा खुली थी खुले विचारों की थी। एंड हाईली ओपिनियन, बहुत ज्यादा ऊंची सोच रखती थी। ऑल्सो ही वॉन्ट हिज डॉटर टू बी हिडन, इसलिए वो चाहता है कि उसकी बच्ची इन गुणों से छुपी रहे, अवे फ्रॉम द ग्लूम डेंजर डिस्ट्रक्शन, इन जो बहुत ज्यादा जहां पे तबाही होती है ऐसी चीजों से वो बचती रहे। दैट ही नब्लब द वर्ल्ड, और जो जो संसार में होने वाली जो भयानक चीजें उनसे अपने आप को बचा ले। द इमेज ऑफ ट्री सो पोएट्स विश फॉर हिज डॉटर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, वो इस पेड़ को जैसे पेड़ अपने आप को इस तूफान से बचा लेता है, वैसे वो चाहता है उसकी बच्ची भी जो संसार में जो बहुत ज्यादा क्रूरता बढ़ रही है अराजकता बढ़ रही है जो वॉयलेंस फैल रहा है उससे अपने आप को बचा ले, बहुत ज्यादा खुले चरित्र की वो ना हो जैसे उसकी प्रेमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इविल इफेक्ट द हेटेड माइंड,
जो बौद्धिक घृणा से भरी होती है उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। द पोएट इन दिस वर्ड हेटेड द माइंड एक्सप्रेस ऑन व्यू पॉइंट, जो घृणित बुद्धि होती है उसको कवि अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है, अपने एंड एक्सपीरियंस वो कुछ भुगता हुआ है उस हिसाब से बता रहा है। ही रिगार्ड हेटेड एज द वर्स्ट काइंड ऑफ ईविल विच कंज्यूम द नोबिलिटी ऑफ माइंड, जो घृणित बौद्धिक स्तर होता है वो मनुष्य की हर अच्छाई को खा जाता है। ही कंसिडर हेटेड माइंड लीव द नेगेटिव थॉट्स विच लीड द सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन, जो बौद्धिक घृणा से जो बुद्धि घृणा से भरी हुई होती है वो सिर्फ और सिर्फ विनाश करती है और हमेशा अपने आप को मुसीबतों में डाल लेती है। द स्टैंजा फ्रॉम विच दिस लाइन इज टेकन कंस्ट्रक्शन द आइडिया ऑफ इवन मॉडगोन, जो ये अंतरा लिया गया है उसमें इसने अपने प्रेम का वाउंड गोन का उदाहरण दिया है, कैसे उसने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। येट गर्लफ्रेंड, जो कि येट की गर्लफ्रेंड थी, वाज टर्न स्टुबन ड्यू टू हिज फ्लो एंड एक्सटेट इन द हाईली अपॉइंटमेंट मैनर, जिसने अपने खुले विचारों के कारण, अपनी हाई फाई सोच के कारण उसने इस येट को, इस कवि को ठुकरा दिया था। वी ऑल्सो फाइंड द undercurrent of thought that run in the stanza that the beauty is one of the reason of hatred, और उसने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली थी, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इस कारण उसने कवि इतना खूबसूरत नहीं था, इसलिए इस खूबसूरती के कारण ही उसने इस कवि को ठुकरा दिया था। इसलिए कवि ये कहता है ज्यादा खूबसूरती भी खतरनाक होती है, क्योंकि ये खुद को ही डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, खुद को ही बर्बाद कर लेती है, क्योंकि खूबसूरत लोगों में ज्यादातर गुरूर और घमंड आ जाता और वो फैसला सही नहीं ले पाते, जैसे इसकी गर्लफ्रेंड ने किया था इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिंबल ऑफ हॉर्न ऑफ प्लेंटी, जो हॉर्न ऑफ प्लेंटी है सिंबल दिया गया है, सिंह के निशानों का सिंबल दिया गया है, इसके बारे में एक्सप्लेन करें क्या है ये। हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अ माइथोलॉजिकल सिंबल यूज्ड द पोएट, कवि ने ये धार्मिक सिंबल यूज किया गया है। इट इज अ सिंबल ऑफ अबाउंडेंस ऑफ गॉडेस, गॉडेस का सिंबल है ये। वन ऑफ द हॉर्न वॉज ब्रोकन एक्सीडेंटली बाई द जीनियस एंड अंडरस्टिंग नर्समैन, उससे ये जो सिंह था वो टूट गया था, जो कि बहुत ज्यादा पोर्शन ऑफ प्रॉस्पेरिटी का वो सिंबल था। येट यूज दिस सिंबल इज माउंट गोन, इस सिंबल को उसने माउंट गोन के लिए यूज किया गया है। वो हैड द अबाउंड ब्यूटी, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, एंड कम वट इज द एक्सचेंज फॉर इज बिलव, इसी कारण उसने अपने इस प्रेमी को छोड़ के किसी दूसरे को चुना, जिससे क्या हुआ, डिस्ट्रेक्टली अफेक्टिंग हर सेल्फ एंड डूम इन हर मिस फॉर्चून, इसके कारण इसने क्या किया, अपने पूरे भविष्य को खराब कर लिया, दुर्भाग्य में बदल लिया अपने आप को, कुछ इस तरह के इसने निर्णय ले लिए थे। सी द विलोव्स फुल ऑफ ओपिनियन फ्राइड टुक अवे फ्रॉम हॉर्न ऑफ प्लेंटी, उसने बताया कि वो बहुत ज्यादा गुरु से भरी हुई थी, तो द दिस सिंबल पोएट विश दैट हिज डॉटर शुड ऑल्सो पोसेस ऑन अ ब्यूटी, इसलिए वो चाहता है कि उसकी बच्ची ब्यूटीफुल हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो, क्योंकि इससे उसमें गुरूर आ जाएगा। विच विल नॉट ओनली कैरी ब्यूटी, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, खूबसूरती को ही कैरी ना करे, बट ऑल्सो काइंडनेस एंड मॉडेस्ट, उसके अंदर दयालुता मानवता भी हो। अनलाइक द ओपिनेटेड ब्यूटीफुल वुमेन लाइक हेलेन एंड ट्रॉय, वीनस एंड मॉन्टगोन, जिस प्रकार और जो खूबसूरत महिलाएं थी, इन्होंने उसने पोएट के पोएट ने इस कविता में एग्जाम्पल दिया है, हेलेन का, वीनस का एंड मॉन्टगोन का। एनेस शुड ऑलवेज रिमेन नर्सिंग लाइक एमेंथ द गॉड, हर गॉडनेस शुड ऑलवेज रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत होने के कारण इन तीन लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा दुख में बना लिया था, इसलिए वो ये चाहते हैं कि मेरी बच्ची ज़्यादा खूबसूरत ना हो, क्योंकि खूबसूरत लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी कहानी है, एलेन के बारे में वीनस के बारे में, किस तरह से इन्होंने अपने आप को डिसीजन लेके बर्बाद कर लिया था, तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक एक लाइन को आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ग्रो व्हेन माइंड विदाउट हेटेड, अगर आपका बुद्धि है घृणा से ग्रसित नहीं है तो आपके अंदर कौन कौन सी चीजें अपने आप विकसित हो जाएंगी।
हेटेड टन एज द मोस्ट इवल क्वालिटी वॉज द पोइट। उसने बताया जो लोग घृणित होते हैं बहुत ज्यादा बुरी आदतें उनके अंदर आ जाती हैं। सो द क्वालिटी दैट द वुड ग्रो वेन द माइंड विदाउट हेटेड विल द पॉजिटिव थिंकिंग। अगर मनुष्य की सोच में अगर घृणा नहीं है तो उसके अंदर बहुत सी चीजें विकसित हो जाती है जिसमें कि उसकी थिंकिंग वो पॉजिटिव हो जाती है, हमेशा अच्छा सोचता रहता है। नेविलिटी माइंड डिवाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविज्म, और वो हमेशा किसी जो बुरी सोच होती है उससे दूर रहते हैं। हैट टेक अवे फ्रॉम द इनोशन, और जो घृणा करते हैं वो हमेशा मासूम से दूर रहते हैं। सो द ऑप्शन विल द मेक द पर्सन चेयरफुली इनोशन, इसलिए जिसके अंदर घृणा नहीं हो सकती वो आदमी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मासूम और बहुत ज़्यादा चेयरफुल होता है। सिंस हैट इज लाइक अ पॉइजन फॉर द सोल, जबकि जो घृणित चीज है घृणित बुद्धि है वो एक तरह से जहर के बराबर होती है, आत्मा के लिए जहर का काम करती है। सो इट ऑप्शन विल लेन टू पीसफुल रिलैक्सेशन एंड हैप्पी सोल, इसलिए अगर घृणा नहीं है तो आपका जो आत्मा बहुत ज्यादा खुश आनंद और आराम में रहेगी। ऑल्सो विल टेक अवे एवरी नेगेटिव फोर्सेज मेकिंग क्लियर क्लाइम फ्री माइंड, और हमेशा ये आपको बुरी चीजों से जो गंदी सोच है उससे दूर रखेगी, आपके दिमाग को हमेशा फ्री रखेगी। ए पर्सन बिकम सेल्फ डिफाइन सेल्फ अप्रेशिंग एंड सेल्फ अफ्रेंटिंग रिमेनिंग ऑल इट्स वर्चिज, और मनुष्य हमेशा आनंद में रहेगा, तुष्टिकरण से दूर रहेगा, भयानकता से दूर रहेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और इसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे। Thank you for watching this video.